नमस्कार दोस्तों, क्या कहते हैं, हमने आपको पहले भी दिखाया था कि हमने एक क्लासिक रॉयल इनफील्ड की एक गाड़ी हमने का इंजन उतारा हुआ था और वो कारण हमने बताया था कि एक नोइज जो उसमें हो रही थी आवाज, और उस आवाज को दूर करने के लिए हमने आपको दिखाया था कि कैसे इंजन को खोला जाता है और उसके बाद कैसे रिपेयर उसको किया जाता है। तो ये वो पार्ट्स है जो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। और इसका हम नया पार्ट्स आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये वो पार्ट्स है जिसको हम अब इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे और हमारे इंजीनियर साहब बताएंगे कि इसको कैसे चेंज किया जाता है और किस तरीके से ये गाड़ी पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। तो आइए, हमारे इंजीनियर साहब तौफीक खान, जिससे हम पहले ही मुलाकात करा चुके हैं, तो वो बताएंगे बाकी का कि कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ओल्ड वीडियो में आया था, अब मैं इंजन तैयार कर रहा हूँ, जिसके वजह से जो बैरिंग इसका ख़राब हो गया था, जैसे नॉइस बैरिंग बोलते हैं, अब मैं इसे फिट करने जा रहा हूँ और आपके सामने इंजन तैयार रखा है, जिसकी वजह से बस ये बैरिंग ठोकना है इसमें मुझे। अब आप इस वीडियो को देखते रहिए किस तरह से हमें बैरिंग ठोकना है। अपने ये बैरिंग यहाँ पर फिट कर दिया है और इससे बड़े प्यार से हम फिट करेंगे, ज़्यादा चोट नहीं मारनी हुई। बोलो, ये जो क्रैंक का नॉइज बैरिंग है, मेन जो टेमिंग साइड रहता है, ये और इंजन के अंदर ही होता है, ये जिसके वजह से आवाज़ कर रहा था, और हम ये बैरिंग फिट करने जा रहे हैं और दोनों साइडों से एक सार चोट मारेंगे अभी, ताकि आराम से बैठता चला जाए बैरिंग। अब ये मैं इसका गियर बक्सा, जैसे कि गियर बॉक्स सेट करने जा रहा हूँ, और इस समय गियर बक्सा रेडी है, यानी कि ठीक है अपनी जगह पर क्लियर। अब उसके बाद हम ये गियर, सबसे पहले जब क्रैंक फिट करते हैं तो उसके बाद पहले हम गियर बक्सा चेक करना चाहिए, उसके बाद हम क्रैंक फिट कर देंगे। ये और आपके सामने एक क्रैंक फिट करते हुए देखिए किस तरह से होती है, ये इस पर आराम से प्यार से बैठ चुकी है और फ्री चल रही है। अगर ये टाइट बैठेगी तो इसमें दिक्कत आएगी, और आपके सामने फ्री चल रही है क्रैंक, ये देखिए फ्री चल रही है। अगर ये टाइट ज़रा सी भी बैठेगी और फिट नहीं आएगी, गाड़ी की सेटिंग नहीं आएगी, मज़ा नहीं देगी, फिर से इसका बैरिंग में फॉल्ट आने का कारण रहेगा। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने पहले आपको अपनी वीडियो दिखाई थी, अब ये इंजन में बिठा रहा हूँ इसका, ये फिटिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए इतनी तसल्ली से इसका इंजन बैठा जाता है। अब ये आपके सामने आया, ये जैसे कि अब ये इंजन बैठ चुका है, अब हम इसके जो नट बोल्ट है वो टाइट करते हैं, आपके सामने स्टड देखते हैं। अब इंजन को अच्छी तरीके से हम इसे फिट करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो दिखा था, आप देखते रहिए, हमने बताया था आपको हम इंजन फिट करने जा रहे हैं, तो हम इसका इंजन अब रेडी कर चुके हैं, जैसे कि थोड़ा काम बचा है, इसके बाद हम गाड़ी में इसे इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद इसमें आपको दिखाएंगे।
और हम ये इंजन तैयार कर चुके हैं, बस हमें केवल इसका टाइमिंग मिलाना है और उसके बाद गाड़ी में इंस्टॉल करना है। तो ये वीडियो अगली बार देखिए, धन्यवाद। दोस्तों अगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, थोड़ी सी बात है ये, अगर इस गाड़ी इनफील्ड में कोई सा भी मॉडल है रॉयल एनफील्ड में, और अगर आपको इससे कोई जानकारी चाहिए हो मुझसे, किसी भी फॉल्ट की कोई भी दिक्कत आ रही हो गाड़ी में, तो मैं आपको अपना नंबर देना चाहूँगा। मेरा नंबर देख लीजिएगा वीडियो में, मेरा नंबर है 8475075911, और दूसरा नंबर मेरा जो व्हाट्सअप है वो 8057994040। एक बार और बताना चाहूंगा मैं अपना व्हाट्सअप नंबर 8057990440, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा और मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगा। जो भी रॉयल एनफील्ड में आपके दिमाग कोई सा भी मॉडल हो, स्टैंडर्ड से लेकर लैब का मैच, इसमें कोई भी मॉडल हो, मैं सबकी जानकारी आपको दे सकता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमने आपको दिखाया था ये वीडियो कि हम इंजन तैयार करने हैं, हमने इंजन तैयार कर चुके हैं। अब ये बारी हेड की है, मैं देखिए जैसे कि हेड इसका फिट कर रहा हूँ, तो अब इस तरह से हमें इसे फिट करना है। अब ये आराम से फिट हो चुका है यहाँ पर, और ये देखिए आराम से बैठ चुका है ये। हम इसमें हल्के से दो साइडों से चोट मारेंगे और ये फिट हो चुका है। तो हमें इसके स्टड कसने हैं, देखते रहिए वीडियो। दोस्तों आइए, जैसे कि हमने तुम्हें इंजन फिट करते हुए वीडियो किया, अब मैंने ये इंजन रेडी कर चुका हूँ ये। अब देखिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी। अब इसकी ओरिजिनल साउंड आ गई, इसलिए आप ये बस समझना गलत है इसका, क्योंकि इसका हमने साइलेंसर लगा रखा है, साइलेंसर निकाल रखा है, और इसलिए ज्यादा साउंड कर रही है गाड़ी, वही अभी जो हम ये आपको जो वीडियो दिखाना चाह रहे थे, जो इंजन हमने तैयार किया था वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके सामने। देखिए स्टार्ट, जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, मैं इसकी पूरी आपको जानकारी दूंगा। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो पे लाइक करिए, शेयर करिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी मैं अपनी वीडियो जारी रखूंगा, यानी कि बनाता रहूंगा ये, और जिसको अच्छी लगे और कोई प्रॉब्लम हो जो भी वो मुझे फोन करे, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में जो गाड़ी दिखाई गई थी कि कैसे हम इसका इंजन खोलेंगे और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, और वो समय आ गया है कि हमने इस क्लासिक रॉयल एनफील्ड को तैयार कर चुके हैं, और हम इसको आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये गाड़ी अपनी पुरानी साउंड में जो थी और दोबारे से अपने रियल साउंड में आ चुकी है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस गाड़ी को हमने तैयार किया हुआ है। एक बार बताया हम आपको कि अभी हमने इसका साइलेंसर नहीं लगाया हुआ है, इसलिए ऐसी आवाज है। अभी हम थोड़ी देर में साइलेंसर लगा करके भी आपको उसको चेक कराएंगे। बिना साइलेंसर के ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, लेकिन जो इसकी रियल आवाज है वो इसके साइलेंसर के बाद ही आपको मिल पाएगी। इस इंजन को बनाने के बाद
कभी भी साइलेंसर नहीं लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि इसका इंजन जो होता है, भूल गया मैं, अच्छा इंजन बनने के बाद इसकी इस गाड़ी को स्टार्ट करके इसके इंजन की रनिंग के लिए साइलेंसर को नहीं लगाया जाता है। और आप देखेंगे एक दो घंटे बाद कि कैसे इस गाड़ी की आवाज वैसी होगी जैसे हमने जैसी एक क्लासिक गाड़ी में होती है। धन्यवाद।